9 बजे मैं निकल रही हूँ ऑफिस से, मतलब आ गई ये लोग भी इंडिया वाले उस पर टाइम जोन में। ये हम आ गए उन्नो, मैं रास्ते के बीच में चल रही हूँ। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है व्लॉग में, मतलब मैं आज व्लॉग ले नहीं रही हूँ, बट मुझे ये बताना था आपको कि अभी बज रहे हैं रात के 9 और मैं अभी निकल रही हूँ ऑफिस से। मतलब मैंने सुना था यूरोप वाले लोग एकदम टाइम के पक्के होते हैं और ऐसे ओवर टाइम वगैरह नहीं कराते। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। करना इंकार बार बार देना साथ, ठीक है। Now you have to speak. Guys, मैं आज व्लॉग नहीं ले रही हूँ, बट मुझे बोला गया लेने को। हम कहाँ हैं? मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। So we are at Belvedere, Finsburg, which is a palace. समझे ना आप? I think किसी ने तो बनाया था। किसी ने तो of course बनाया होगा। 100 years back. So this was meant to replicate Italian architecture. Ooh. It was a dream of one of the kings, I think. Oh. या प्रिंस, उस उनकी बहुत बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि पूरा इटालियन स्टाइल में पैलेस बनाएंगे यहाँ पे पोटसडाम। सो ये हमारे टूर गाइड से दे टुक अ लॉट ऑफ पेन टू मेक दिस प्लेस बेसिकली, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। यार मैं आज अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन के आई, रिग्रेट। इस बंदे ने मुझे बोला कि ठंडी होने वाली है। ओए 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 जगाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए 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 चुरा के दिल तेरा। ये हमारे कोई तो चेंबर में हम वही सोच रहे थे और कह रहे थे कि राजस्थान में बेटर मिल जाएगा तुम्हें टाइल्स। ये हम राजस्थान में आ चुके हैं। राजस्थान इज बेटर, राइट? हम दूर भागे तेरे बिना, गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना। हम एकदम ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं और ये इतना सुंदर है नजारा। तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। हम निकल रहे आज बाहर, वीकेंड है और आज मैंने इंडियन पहना है, इफ यू ऑल कैन सी। यार कोई फोटो खींचने वाला नहीं है, ठीक है, मैं स्ट्रेंजर को पकड़ूंगी फिर से। तो मैं जा रही हूँ, आज मैं इंडियन पहन के कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ बर्लिन का गुरुद्वारा जो है मेरे घर से 1 घंटा दूर। मेरा हाथ दुख रहा है, एक मिनट। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? मुझे एक्चुअली जब मैं आई थी बर्लिन में तभी जाना था वहाँ पे, बट नहीं जा पाई क्योंकि मैं फिगर आउट नहीं कर पाई जाते कैसे, क्योंकि रीजनल ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा मुझे यहाँ से। रीजनल मतलब जो मुंबई की जो लोकल ट्रेन होती है ना, वो नहीं लेनी है अभी मुझे, वो लेनी है जो दूसरे स्टेट्स में जाती है ट्रेन, राजधानी टाइप, जिसकी टिकट बुक करनी पड़ती है। तो आई मीन टिकट लोकल की भी बुक करनी पड़ती है, बट ठीक है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही, आप समझ गए मैं कौन सी ट्रेन की बात कर रही हूँ। तो वो ट्रेन लेके जाना है और अभी अभी बारिश हो रही थी और अभी फिर से समर, पहले अभी इनका थोड़ी देर पहले रेनी सीजन चल रहा था, अभी समर शुरू हो गया और अभी थोड़ी देर में विंटर्स में टर्न होने वाला है, क्योंकि मुझे तो ठंड लग रही है, मतलब हवा चल रही है, तो मैं तो जैकेट पहन लिया। निकलते हैं, मैंने अभी लंच नहीं किया है, आज मेरा मूड नहीं था घर पर लंच बनाने का, तो नीचे उतर के देखते हैं कुछ खाया पिया जाएगा और फिर चलते गुरुद्वारा। आओ चले गुरुद्वारा के दर्शन करो मैं तुम्हें। हम आ गए वही, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी में, और आज वेजिटेरियन खाना खाया जाएगा। आई थिंक इट इज़ टोमेटो एंड
काफी अच्छा जा रहे हमारे एस बान की तरफ। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। मैं रीजनल ट्रांसपोर्ट वाले स्टेशन पे बैठ आ गई हूँ। इसको कहते हैं हॉफ बैन ऑफ, ऐसा कुछ तो कहते हैं जर्मन में। और ये मेरे पीछे ट्रेन खड़ी है। तो अभी बज रहे 3:15 हो रहे हैं, नहीं 3:30 हो रहे हैं और मेरी ट्रेन 4:15 की है। तो मुझे, क्योंकि ये रीजनल ट्रांसपोर्ट है ना, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आती है, तो मुझे अभी वेट करना पड़ेगा यहाँ पे स्टेशन पे। और दरवाजे बंद। और मैं सोच रही हूँ, मैं पेंटिंग का सामान लेके आया, तो सोच रही थोड़ा पेंटिंग किया जाए यहाँ पे। चलो देखते हैं। ये देखो, ऐसा मैंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर देखा था, निडर घूमते हैं। अब तो आ रहा सदास आ रही बारात, करना इंकार बार बार देना साथ। ट्रांसपोर्ट में मैं बैठ चुकी हूँ और अभी हम निकले टेल्टाओ के लिए। टेल्टाओ करके जगह का नाम है जाकर गुरुद्वारा। और मैं पेंटिंग तो नहीं की क्योंकि मुझे एक इंडियन आंटी मिल गई थी और हम बातें करने लग गए। और मैं आ गई हूँ टेल्टाओ में। और एक चीज़ तो है, ये बर्लिन के बाहर वाली जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और साफ है। ये हम आ गए हैं गुरुद्वारा, स्पॉटेड। तो गुरुद्वारा यहाँ पे ऐसा दिखता है, सिख टेंपल लिखा हुआ है, श्री गुरु सिंह सभा बर्लिन। अंदर चलते हैं। और अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ आपको। अभी मैं निकल रही गुरुद्वारा से और इतने दिनों बाद, मुझे 2 हफ्ते हो गए बर्लिन आके, इतने दिनों बाद मैंने दुनिया का बेस्ट खाना खाया है यार। मुझे पता चला यहाँ पे एवरी डे लंगर होता है, तो अब तो यहाँ आना जाना लगा रहेगा। अब तो आ रहा सबास आ रही बारात। मैं आ गई यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। यार बुड्ढी हो गई हूँ मैं, मेरा सैटरडे ऐसे गुजरता है। और ग्रोसरी शॉपिंग हो गई हफ्ते 2 हफ्तों की, इतना भारी हूँ मुश्किल से बिल्डिंग में लेके आई हूँ। अभी इसको 4th माले तक पहुँचाना इज अ टास्क। हम आ गए घर। चलो मेरा ग्रोसरी रिव्यू करते। थोड़े अंगूर, मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट केले, ये बीच में फ्रूट्स के थोड़ा कचरा। और देखो मुझे यहाँ पे क्या मिला, मोगू मोगू। हम कॉलेज के टाइम पे बहुत पीते थे, तो ये थोड़े मोगू मोगू। अंडे, अदरक, मिर्च नहीं मिलती यहाँ पे, ढूंढनी पड़ेगी मुझे। गोभी का फूल एक, ये है स्ट्रॉबेरीज। मैंने देखा यहाँ पे ना फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ही टेस्ट है उनका, तो फ्रूट्स काफी लाई हूँ मैं। और ये है सलामी। Few moments later. और मैंने अभी अभी Uber Eats डिस्कवर करा है, तो मतलब पता था मुझे, मैंने मंगाया नहीं था। और पहला चीज जो मंगाया गया है Uber Eats से वो है इंडियन खाना, बटर चिकन और चावल। काफी अच्छी स्मेल है। चलो बाय गाइस, आई कैन नॉट शो यू। करना इंकार बार बार देना साथ।